नमस्ते एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ओलंपिक्स। एंड आज हम बात करेंगे इंडियन शूटिंग के बारे में। और आज हमारे साथ है नितिन रघोटे सर, जो बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बट बाय एंथुजियाज्म, बाय पैशन स्पोर्ट्स के बहुत ही शौकीन हैं। एंड शूटिंग पे कड़ी नज़र भी रखते हैं एंड ये खुद भी स्पोर्ट शूटिंग करते हैं, खुद भी शूटिंग रेंज में जाते हैं। तो लेट्स वेलकम नितिन रघोटे सर। कैन यू प्लीज़ गिव अस अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज़। हेलो एवरीबॉडी, आई एम नितिन रागोरते। आई एम बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट आई हैव वेरी डीप इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स सिंस माय चाइल्डहुड। आई रिमेंबर इन 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स, आई हैव वॉच्ड दैट ओलंपिक फुल प्लेस। दो आई रिमेंबर सम फ्यू ग्लिम्सेस ऑफ 1988 सेवर ओलंपिक्स, बट फ्रॉम 1992 आई वॉच ओलंपिक फुल प्लेस। देन आई केप्ट ऑन वॉचिंग 1996 अटलांटा ओलंपिक्स, देन 2000 सिडनी ओलंपिक्स, एंड देन द मोमेंट केम व्हेन वी गॉट अवर फर्स्ट मेडल इन शूटिंग बाई राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सो वो मैच भी मैंने देखा था, उसका लाइव फाइनल अच्छा, देखा था, एंड देन अभिनव बिंद्रा का भी 2008 में गोल्ड मेडल का वो देखा था। आई एम माई सेल्फ प्रोफेशनल एयरपीस, मतलब काफी सालों से मैं, आई थिंक 13 to 14 ईयर्स आई हैव बीन डूइंग सिंस देन। एंड आई हैव प्लेड फ्यू स्टेट लेवल मैचेस एज वेल, बिकॉज ऑफ सम ऑफिस कमिटमेंट्स आई डोंट गेट मच टाइम, बट वेन एवर आई गेट टाइम आई वॉच आई प्ले आई विजिट द रेंज। वाह, सो यस, सो वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट स्पोर्ट्स एंड वेरी यू नो नॉलेजेबल एज वेल। सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट शूटिंग। अगर देखे तो 96 में लियांडर पेस विद ब्रॉन्ज, 2000 आई मीन वी जस्ट 96, 2000 में अगेन जस्ट वन मेडल, बट दैट वाज 2000 में अन्ना मल्लेश्वरी का मरियम मेडल, मलेश्वरी थी, यस करेक्ट। 2004 में वाज द मेडल इन शूटिंग बाय कर्नल राजवर्धन राठौड़। 2008 में वी हैड वन थ्री, बट वन ऑफ देम वाज शूटिंग, दैट इज अभिनव बिंद्रा गोल्ड। एंड 2012 जहाँ उसमें से दो मेडल थी बाय शूट फ्रॉम शूटिंग, वन वाज विजय कुमार सिल्वर एंड वन वाज गगन नारंग। स्टार्टिंग से जो है एंड शूटिंग हैज़ बीन गिवन एस मेडल्स। सो नाउ द ग्रोथ ऑफ इंडियन शूटिंग, अभी तो मतलब इंडियन शूटिंग में काफ़ी अच्छे शूटर्स हैं। एशियन गेम्स में हमने देखा 2022 के एशियन गेम्स में काफ़ी अच्छी इंडियन शूटर्स की काफ़ी अच्छी प्रदर्शन थी। सो हाउ हैव सीन द ग्रोथ ऑफ इंडियन शूटिंग? देखिए शूटिंग के बारे में यदि हम इंडिया का प्रोग्रेस जाने, तो फर्स्ट टाइम इन 1950 शूटर भेजा था ओलंपिक्स के लिए, हरिहर बैनर्जी 1950। उसके बाद करनी सिंह, डॉक्टर करनी सिंह, उनके नाम पे रेंज भी है दिल्ली में, उन्होंने 5 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, फ्रॉम 1960, 64, 68, 72 एंड 1980। इंडिया को सक्सेस नहीं मिला था उस पीरियड में। After that, in 1996, then Manshar Singh and Jaspal Rana had participated in the Atlanta Olympics. So that time also nobody entered in the final. But the first moment came in 2000 when Anjali Bhagwat had entered the final of the 10 meter air pistol air rifle shooting. तो वो एक पहला मोमेंट था जब कोई इंडिया का फाइनल में पहुंचा था। 2004 में फिर इंडिया स्टार्टेड विनिंग द मेडल। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने डबल ट्रैप में सिल्वर मेडल जीता था, पर उसी ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा वाज आल्सो फाइनलिस्ट इन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, एंड देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम हैड हैपन एंड ही हैड फिनिश्ड आई थिंक 7th or 8th वो फाइनल में। एंड उसी ओलंपिक में सुमा शिरूर वाज आल्सो फाइनलिस्ट इन 10 मीटर एयर राइफल, तो उनका 8th प्लेस आया था एथेंस ओलंपिक में। मतलब 2000 से स्टार्ट हुआ था, इंडिया वाज विनिंग द मेडल्स इन एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 2002 में अंजलि भागवत ने मेडल जीता था, लेकिन ओलंपिक में सक्सेस नहीं मिला था। 2004 राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के मेडल के बाद एक थोड़ा एक मोमेंट आ गया शूटिंग के अवेयरनेस, पेरेंट्स स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू द शूटिंग रेंज, तो एक थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट हुआ। अभिनव और राज्यवर्धन राठौड़ का पर्सनैलिटी भी एक ऐसा पर्सनैलिटी है, ही वॉज मोटिवेटिंग वेन एवर ही वॉज डूइंग गिविंग स्पीच, सो ही वॉज मोटिवेटिंग द अदर्स फेलो शूटर्स लाइक दैट। तो उनके बाद फिर 2008 में द मोमेंट आया जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता। इट वाज द मोस्ट डेकोरेटेड मोमेंट ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स। सो इंडिया को इंडिविजुअल गेम्स में कभी गोल्ड मेडल नहीं आता, वो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट व्हेन इंडिया वन द गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, एंड वो भी शूटिंग में आया था। तो 2008 के बाद अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ा शूटिंग के बारे में, मतलब जो पेरेंट्स लोग स्टूडेंट उनके चाइल्ड्स को इनकरेज कर रहे थे शूटिंग के बारे में, और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे ज्वाइन होने लगे शूटिंग में। शूटिंग में नॉर्मली चिल्ड्रन आर अलाउड टू शूट आफ्टर द एज ऑफ 10, 10 साल के बाद ही उनको अलाउ करते हैं, क्योंकि वो गन का वेट कैरी होना चाहिए उनसे, क्योंकि एयर राइफल गन जो होते हैं उसका अराउंड 4 to 5 किलो होता है और एयर पिस्तौल 1 किलो, एंड बट डेट 1 kg वी हैव टू पिक इन वन हैंड ओनली फॉर एयर। तो उसके लिए उनका एज आफ्टर 10 ईयर्स के बाद ही उनको एडमिट करते हैं शूटिंग रेंज में। तो उसके बाद में क्या हुआ,
2012 में इंडिया को दो मेडल्स आए हैं शूटिंग में, 2012 ओलंपिक्स में, विजय कुमार एंड गगन नारंग. सो गगन नारंग का 2008 में भी मिस हुआ था, तो ही कुडंट, ही हैड स्कोर 594 आउट ऑफ 600, और 594 पे दो तीन शूटर्स थे, लेकिन जो उस वक्त का जो एक था वो काउंटिंग काउंट बैक, तो लास्ट सीरीज में किसने स्कोर ज्यादा किया उस हिसाब से, वगैरह तब इंडर टेन वगैरह नहीं रखे जाते थे, तो उसमें तो फाइनल में उनका एंट्री नहीं हुआ था. लेकिन गगन नारंग डिड कंपेंसेशन फॉर इट एंड ही वन द ब्रॉन्ज मेडल इन 2012 ओलंपिक्स. एंड विजय कुमार ही वाज द फर्स्ट शूटर टू वन ए मेडल इन द पिस्तौल शूटिंग. ही वेन ही वन द मेडल इन रैपिड फायर पिस्तौल 2012 में. तो उसके बाद से और ज्यादा अवेयरनेस आने लगा और शूटिंग में कॉम्पिटिशन काफी बढ़ने लगा. पहले शूटिंग में नेशनल्स के स्कोर्स वगैरह काफी कम होते थे नेशनल क्वालिफिकेशन के लिए वगैरह, अभी तो काफी बढ़ गया. तो वो थोड़ा एक और शूटर्स को यंग एज में ज्यादा ज्यादा प्रमोट होने लगे शूटर्स, तो उनको काफी एडवांटेज हुआ. 2016 में इंडिया का जो एक्चुअली जो बना था हाइप बना था शूटिंग का, पर 20 मोमेंटम जो बना था वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सका. 2016 में इंडिया couldn't win any medal in the 2016 Rio Games. तो उसके बाद क्या हुआ था? And actually उस टाइम पे जीतू राय वाज वर्ल्ड नंबर वन. Yes. And I think 2016 also we had returning medalists. I think Abhinav Bindra थे and Gagan Narang थे. So yes. Still we did not win. Obviously 2016 मतलब was disappointing in all other sports. So but yeah, shooting में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल बाय ह्यूज मार्जिन. सो ही वाज बेसिकली 50 मीटर एंड 10 मीटर चैंपियन. तो 2016 में जीतू राय वाज फाइनलिस्ट बट ही फिनिश सेवंथ इन द फाइनल. एंड 50 मीटर में भी he was about to enter the final. He was in the top 8, normally top 8 shooters play for final. He was in the fourth or fifth position, but last 5 to 6 shots, somewhere there was a problem with those shots, and that time he was placed out of first top 8. So he couldn't play the final. So that was a big disappointment. Yeah. And I have forgotten one thing, one name. He is the Ranjan Singh Sodhi. In the 2012 double trap, the same incident had happened with Ranjan Singh Sodhi. He was the world number one in the 2012 Olympics, and sometime there was the penalty match shot, he missed that shot and he couldn't enter the final. So the same thing happened with Jitu Rai in the 50 meter, like that, something like that happened. And then in 2016 Abhinav Bindra missed a bronze medal by a small margin, 0.1 points. The diameter of a hair, we can say, very thin margin. So that was also the very unfortunate incident for that. So 2016 mein jo disappointment aaya India ka, uske baad NRI did lot of research on that, what went wrong. So they started a focus on a junior program na, then. So uske baad unhone NRI ne junior, they conducted a junior shooting program, and which was led by Jaspal Rana. Okay. So Jaspal Rana ke team mein se phir unke training mein se मनु भाकर, सौरभ चौधरी एंड अदर शूटर्स, जो यंग शूटर्स है, ये जो आए और उनका काफी प्रोग्रेस हुआ उनके बाद. तो आप उस पीरियड में 2018 ओलंपिक्स हुई थी एंड 2018 यूथ ओलंपिक्स हुई थी. तो यूथ ओलंपिक्स बता दे इज फॉर एथलीट्स बिलो 18 इयर्स ऑफ एज. तो उस टाइम पे सौरभ चौधरी मनु भाकर, मेहुली घोष, आई फॉरगेट द 10 मीटर एयर राइफल. सो we had won gold medals in all 4 events. So yeah, this you can see how strong our junior program was. Yeah. So junior program ke wajah se, junior program actually changed the face of the nation, face of the shooting particularly. So 2016 tak jo log veteran shooters the mostly in 2016 there was PN Prakash. He was around 40 years of age. He had also participated in that Olympic. Then Jitu Rai. Lekin 2016 ke baad kya hua, jo youngster the, means they were around in 18, 19, 20 years of age. They did exceedingly well compared to their senior counterparts. Even rapid fire shooting mein Vijay Kumar lost his form. Then Anish Bhanwala, Vijay Veer Sidhu, Adarsh Singh,
So ye jo new shooters the Anish Banwala was just 15 16 year old at that time when he started winning the medals around in 2017 and Manu Bhakar was also 15 16 years of age. So wo ye log aa gaye, these people started winning the medals. So 2020 jo Olympics hua usme maximum jo participants jo qualified jinhone quota liya tha wo youngsters the, they were just 18 to 20 years of age, they were we can say. So problem 20 and Saurabh Chaudhary and the pair of Saurabh Chaudhary and Manu Bhakar in the mixed pistol event, they had won continuously 4 to 5 medals, gold medals in the World Cups. Even Saurabh Chaudhary was winning medal in each and every World Cup. So, and in from the women's, Mehuli Ghosh was good, and then Apurvi Chandela, and there is one other girl. Anjum Modgil. Anjum Modgil. So they had qualified and they had bagged the quota. लेकिन मतलब 2020 में जो ओलंपिक्स कोविड के वजह से पोस्टपोन हो गए, तो 2020 में यदि ओलंपिक होते तो शायद इंडिया का चांसेस ज्यादा बने रहते. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, 2020 के ओलंपिक्स में के बाद लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे शूटर्स है दे एक्चुअली कुडंट प्रैक्टिस. इवन अभिषेक वर्मा ही वाज आल्सो प्लेड इन द 2021 एयर पिस्तौल ओलंपिक्स, सो ही आल्सो सेड दैट ही कुडंट, हिज गन वाज समवेयर एल्स, सो ही कुडंट प्रैक्टिस. तो there was some 6 to 7 months ka jo proper ye jo out of practice out of trust the. The shooting aisa game hai, it is based on the muscle memory, so you have to always practice aur jo ek muscle memory banta hai, hand eye coordination and muscle memory, to uske wajah se kya ho thoda, that is the one of the factor. So they lost their form. So olympics july mein the 2021 mein, uske pehle march april mein kuch zagreb mein croatia mein ek world cup tha, wahan pe ye shooters gaye the lekin they couldn't perform well. So at उस वक्त ऐसा पहली बार लगा कि दे आर नॉट इन द फॉर्म, एंड वो एक प्रेशर बिल्ड होता है. अब जब आप 2 महीने पहले कुछ आपका फॉर्म थोड़ा सा कम हो जाता है तो आपके एक मन में एक प्रेशर आ जाता है, तो वो एक प्रेशर फैक्टर है. सो दे डिडंट एंटर इनटू द ओलंपिक्स इन ए राइट फ्रेम ऑफ माइंड. और चाइना डिड एक्सीडिंगली वेल इन द 2021 ओलंपिक्स. चाइना का एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी होता है कि दे हैव वेरी गुड डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस, तो वो बाहर जो भेजते प्लेयर्स शूटर्स वगैरह या एनी प्लेयर्स वगैरह, दे डोंट सेंड देयर मींस मेन प्लेयर्स, दे सेंड देयर अदर प्लेयर्स. तो एक दूसरे टीम को क्या लगता है, एक थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंस जैसा लगता है कि वी आर विनिंग, लेकिन ओलंपिक में दे सेंड देयर मेन प्लेयर्स, तो उसके वजह से जो 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 प्लेयर्स है दे वन द मेडल्स मोस्टली. चाइना एंड रशिया mostly medal were won by these two nations. And India mein I think Saurabh Chaudhary had qualified for the final and he had finished 7th. Yes. And there was no, yeah, and there was no 50 meter. So India is normally good in 50 meter, but 50 meter instead of 50 meter there was a mixed event has been introduced to maintain the gender parity. The mixed event mein kya hota, Manu Bhakar and Saurabh Chaudhary, they were in good form and they had topped, in fact they had topped the qualification round. Lekin uske baad jo dusra round hota hai उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. आई थिंक सौरभ हैड डन वेल, बट देयर वाज सम मिसफायर, सम वन आर टू शॉट्स वेयर मिस्ड बाय मनु, मतलब थोड़े 10 के 9s वगैरह हो गए थे, तो उसके वजह से दोनों का स्कोर कम है. एंड इंडिया उसमें क्या रहता, टॉप फोर, आपको टॉप फोर में आना पड़ता है, टॉप फोर लोगों का फिर वो क्वालिफाइड फॉर गोल्ड एंड क्वालिफाइड फॉर ब्रांज ऐसा होता है. yes. तो ये उसमें टॉप फोर में नहीं आ पाया, उसके वजह से इंडिया कुडंट विन दैट वेल डिजर्व मेडल. सो मतलब there was much expectation at least from mixed event. Hmm. So that was one disappointment. Yeah. Yes. Uske baad fir they have changed the strategy again. Now NRI will discuss that later. So दर्शकों को पहले बता दें कि ओलंपिक्स में शूटिंग होती कैसी है. तो तीन तरह के गन्स होते हैं, एक राइफल, एक पिस्तल और एक शॉटगन. तो राइफल समझिए बड़ा सा गन होता है. हर एक गन के दो दो इवेंट हैं. तो राइफल में दो इवेंट है, एक है 50 मीटर 3 पोजीशंस और 10 मीटर एयर राइफल. तो 3 पोजीशंस, सो 50 मीटर 3 पोजीशंस का मतलब होता है 50 मीटर दूर से शूट करना पड़ता है, और 3 पोजीशंस मतलब आपको सो के, नीलिंग एंड स्टैंडिंग, ये तीनों पोजीशंस में आपको शूट करनी पड़ती है. उसके बाद आता है 10 मीटर एयर राइफल. सो इसका मतलब है कि 10 मीटर दूर से आपको शूटिंग करनी पड़ती है. तो ये हो गया राइफल. अब आता है पिस्टल पे. तो पिस्टल में दो इवेंट है, जैसे 10 मीटर एयर पिस्टल एंड 25 मीटर पिस्टल. सो 10 मीटर एयर पिस्टल में, एज द नेम सजेस्ट, 10 मीटर दूर से मतलब शूटिंग करने पड़ती है, टारगेट है 10 मीटर दूर. और 25 मीटर पिस्टल में आपके 25 मीटर्स दूर है, लेकिन आपको 5 टारगेट हिट करने पड़ते हैं साइमल्टेनियसली. तो इसमें जो जो राइफल एंड पिस्टल के जो इवेंट्स हैं वो इंडोर होते हैं, और उनके जो टारगेट्स होते हैं दैट इज अराउंड 15 सेंटीमीटर्स. आप 15 सेंटीमीटर्स मान लीजिए एक रूलर जितना लंबा होता है, एक नॉर्मल रूलर, वो एक सर्कल होता है, उसके अंदर आपको शूट करनी पड़ती है. तो राइफल एंड पिस्टल आर हैपनिंग
इंडोर्स। नेक्स्ट आते थर्ड वाली जो जो गन है वो है शॉर्ट गन। तो शॉर्ट गन आप समझिए कि इट्स लाइक मतलब एक लंबी सी राइफल जैसी होती है, जिसमें दो अगर एक मतलब उसकी बुलेट जो होती है बड़ी होती है, बहुत मोटी होती है, एंड ये बाहर शूटिंग होता है। एंड दिस एक्चुअली शॉर्ट गन एक्चुअली मतलब मेनली आप देखें हंटिंग के लिए यूज़ होती है। तो बर्ड हंटिंग जो होती है मतलब हंटिंग के लिए, तो वहाँ पे फंडा क्या होता है कि जो आपका जो टारगेट है वो हिल रही है तभी आपको शूट करना है। इवन नाउ लेकिन एक्चुअल में जो टारगेट होती है दैट इज़ लाइक अ फ्रिस्बी, क्ले का एक फ्रिस्बी जैसा होता है, एंड एक मशीन आपको थ्रो करती है। तो इवन नाउ क्योंकि ये कंसेप्ट बर्ड शूटिंग से है, ये टारगेट को एक्चुअली इसको पिजन बोला जाता है या बर्ड बोली जाती है। तो इसमें शॉटगन में दो दो इवेंट होती है, एक है ट्रैप और एक है स्कीट। तो ट्रैप में मतलब क्या होती है, एक जो शूटर होता है वो एक बीच में एक प्लेटफॉर्म में खड़ा रहता है, और उसके दोनों साइड मशीन होती है, और दोनों साइड से जो जो फ्रिस्बी जैसा चीज़ है वो आती है, और आपको दोनों शूट करना पड़ता है एक ही शॉट में। ठीक है, मतलब एक ही दो बुलेट्स होते हैं ना, तो एक ही इसमें आपको शूट करनी होती है। स्कीट में क्या होती है कि स्कीट में सिर्फ एक ही साइड से आएगी, एंड आपको वो एक ही को शूट करना है। ठीक है, आपको कोई डबल चांस नहीं मिलेगा, एक बार शूट लग मतलब आपने ट्रिगर दबा दी तो वो हो गया उसका। तो ये तो इसमें तो जैसे तो हमारे पास हो गए 6 इवेंट्स, और हर मेल और फीमेल, तो इसमें मतलब 6 और 6 12 हो गए, तो 12 इवेंट। और प्लस हमारे पास मिक्स्ड इवेंट्स है, मतलब एक मेल और एक फीमेल, जिसमें है 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल, और स्कीट में मिक्स्ड इवेंट्स होंगे जहाँ पे मतलब मेल और फीमेल का स्कोर्स मिला के मिक्स्ड इवेंट होगी, सेम फ्रॉम द सेम नेशन। सो लेट्स, अभी आपने 2016 एंड 2020 ओलंपिक्स के तो बारे में बता दिया, अभी आते हैं हमारा जो अभी नेक्स्ट इमीडिएट फ्यूचर है, पास्ट तो हो गया, इमीडिएट फ्यूचर है 2024 ओलंपिक्स यस अभी। और ये भी बता दें दर्शकों को कि क्वालिफिकेशन होती कैसे है। तो ऐसे में हमने बोला कि 12 इवेंट है मेल एंड फीमेल मिलके, तो हर एक इवेंट में से एक देश मैक्सिमम 2 एथलीट क्वालिफाई कर सकता है। और ये क्वालिफिकेशन होती है कैसे, जैसे 2023 वर्ल्ड चैम्प सॉरी 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, और कुछ कुछ रीजनल टूर्नामेंट्स के हिसाब से, मतलब जो भी मतलब जो भी विनर होता है या जो भी टॉप में आता है उसको कोटा मिल जाती है। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़रूरी नहीं है जो एथलीट ने कोटा कमाया वही जाएगा, मतलब नेशन किसी को भी चूज़ कर सकती है, मतलब कोई भी एथलीट चूज़ कर सकते हैं ओलंपिक्स के लिए, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है। बट मोटा मोटी हम देखते हैं कि नॉर्मली देखते हैं कि जिस एथलीट ने कोटा जीता वही खेलता है, बट इंडिया के केस में ऐसा सिचुएशन मतलब थोड़ा 50-50 डाइवर्शन हो सकता है। तो हम एक्चुअली विल सो अब तक 2022 से लेके जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मार्च में 2024 में, अब तक बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो गए हैं, और 2 टूर्नामेंट बाकी है, सिर्फ 2 या 3 टूर्नामेंट बाकी हैं। तो इंडिया ने हिस्टोरिक 19 कोटास जीती हैं हर एक इवेंट में, तो ये हिस्टोरिक है। एंड हमसे ज़्यादा सिर्फ चाइना ने लिया है, वो है 22 कोटास, और इसके आगे कोई नहीं है। तो मतलब दिस इज़ वेरी गुड। सो नितिन जी, हाउ डू यू रेट दिस, यू नो हमने जो 19 कोटास जीते हैं, हाउ डू यू रेट दिस प्रोग्रेस? ये प्रोग्रेस तो काफ़ी अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होना चाहिए, मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। और लास्ट टाइम जो एनआरए ने जो सिलेक्शन पॉलिसी किया था, मतलब कोटा बिलोंग्स टू द नेशन नॉट टू द शूटर, तो उस वक्त भी ये ट्रायल वगैरह जो अभी ले रहे, मतलब ऐसे ट्रायल्स नहीं थे, लेकिन देर वॉज बेसिकली वो रैंकिंग सिस्टम था कि जो वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप में या वर्ल्ड कप में मेडल लाता है उसको पॉइंट्स मिलते कुछ, और जो कोटा मिल जाता है उसको और कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो सबके जो लास्ट 3 to 4 ईयर्स का ट्रैक होता था, और उसमें हर एक शूटर का प्रोग्रेस होता था, दे हैड वेबसाइट, उसमें वो अपडेट करते थे कि इसमें कोटा मिला था उसको, इसके पॉइंट्स ऐड होते थे, इसमें नेशनल गेम्स में कुछ गोल्ड मेडल मिला तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स, गोल्ड को कुछ, सिल्वर के लिए कुछ पॉइंट्स। इवन ट्रायल्स में हर साल देर आर 6 ट्रायल्स होते हैं, तो ट्रायल का स्कोर वगैरह उसमें ऐड होता था, उसके बेसिस पे रैंकिंग होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था लास्ट टाइम, जो शूटर्स पहले फॉर्म में थे, मतलब सपोज दिस इज 24 इज गोइंग ऑन नाउ, कुछ शूटिंग ऐसा गेम है, इट्स ए वेरी वोलेटाइल गेम, मतलब हमारा फॉर्म 6 महीने 6-8 महीने से ज्यादा टिकता नहीं। तो 6-8 महीने में हो सकता है आज कोई फॉर्म में है, 6 महीने के बाद नहीं रहे उसका फॉर्म। तो जो शूटर्स टॉप 2 साल में थे फॉर्म में, तो वो मतलब एक्सेप्ट सौरभ एंड मनु, बाकी इवेंट्स के बारे में तो बात करूंगा, तो वो जो शूटर्स थे उनका जो पहले का फॉर्म था उसके बेसिस पे उनका स्कोर ज्यादा हुआ था। लेकिन जो 2021 में जो फॉर्म था उनका थोड़ा सा फॉर्म नीचे आया था, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी इतने पॉइंट्स अर्न किए थे, तो उसके वजह से दे हैड टॉप द क्वालिफिकेशन एंड दे वर डिसाइडेड टू सेंड फॉर द ओलंपिक्स। लेकिन क्या होता है,
अभी रिसेंट जो फॉर्म है 2021 में, रिसेंट फॉर्म कुछ शूटर्स का रिसेंट फॉर्म अच्छा था, लेकिन उनको चांस नहीं मिला क्योंकि उनका पुराना फॉर्म अच्छा नहीं था, क्योंकि क्योंकि उन्होंने उनके स्कोर पहले कम था, तो उसके वजह से दे डिडंट दे कुडंट क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक गेम्स. इसके लिए और एक्चुअली मैटर क्या करता है ओलंपिक में मेडल के लिए, आपका रिसेंट फॉर्म मैटर करता है. तो चाइना वगैरह में देयर एक्चुअली देयर स्ट्रेटजी इज दैट they consider the recent form of the shooter and based on that they send their shooters. इसीलिए NRA ने policy change किया, NRA ने decide किया कि मतलब recent form को ध्यान देना चाहिए. उसके लिए अभी जो five based on this year's जो nationals और trials, तो इसमें हर एक player को चार trials खेलना पड़ेगा और चार trials में से best of three trials select best of three trials का score होगा. तो वो बेस्ट ऑफ थ्री का थ्री टाइम्स का स्कोर हर एक शूटर का ऐड होगा, उसमें से टॉप फाइव शूटर सिलेक्ट किए जाएंगे. और जो जिसने कोटा जीता है उसको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलेगा, मतलब दे विल गेट प्लस वन पॉइंट और प्लस टू पॉइंट्स. तो ये है एनआरआई की कैलेंडर. तो इसमें ये दिस इज वी हैव दिस इज फॉर राइफल पिस्टल एज ऑफ नाउ. सो इसमें मेजर चीज ये है कि जैसे सर ने बताया कि पहले सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे वन एंड टू दिल्ली में. एंड उसके मतलब आप डेट्स देखिए, आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट आर द डेट्स 18 टू 27 अप्रैल एंड उसके बाद 70 फर्स्ट वीक ऑफ मई. एंड दो जगह पे होंगे, एक न्यू दिल्ली में, एक भोपाल में. उसके बाद आपका ट्रेनिंग कैंप है दैट इज इन फ्रांस इटसेल्फ, वी आर डूइंग इन जून. एंड उसके बाद हम वापस इंडिया आ रहे हैं, न्यू वी आर कमिंग नेक्स्ट मंथ. एंड उसके बाद हम फिर फ्रांस जा रहे हैं. Yeah. And then obviously 21st to 26th we'll have the Olympic Games. So yeah. I think what you said is correct that I think NRI ने इस बार यही मतलब यही माइंड में रखा है कि recency factor को ध्यान में रखते हुए. And यहाँ पे वो भी है कि yes वो that we have जिसको जिसको मिला कोटा वो भी important है, उसको भी मतलब उनको भी extra points मिला. So what do you have to say for this? What how do you see this? Is it good, bad, ugly? This is good. Okay. Yeah, this is good actually. 2021 के Olympics के बाद में मैंने भी कुछ सोचा था, तो मुझे भी लगा था कि recent form को consider करना चाहिए. And NRI thought on that line only. आते हैं shotgun पे. तो shotgun हमारे लिए weakest event है. Till now we have हमने सिर्फ हर एक event में सिर्फ एक ही एथलीट क्वालिफाई कर पाए हैं. तो आई थिंक दैट इज इसके लिए यहाँ पे 16 से लेके 21st अप्रैल वी हैव प्रिपेटरी कैंप. ओके, उसकी प्रिपेटरी कैंप सिलेक्टेड फॉर द फाइनल. तो एक प्रिपेटरी कैंप रहेगी एंड उसके बाद जो फाइनल टूर्नामेंट है वो रहेगी. एंड ऑब्वियसली वी हैव टू लुक एट, हम इटली जा रहे हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग. हम इटली जा रहे हैं, फ्रांस नहीं जा रहे. एंड दोनों ट्रैपोस्कीट वहाँ जाएंगे एंड हम इंडिया नहीं आ रहे. दिस इज इंटरेस्टिंग, हम इंडिया नहीं आ रहे, डायरेक्टली इटली से ही हम फ्रांस जाएंगे. तो आई थिंक ऑब्वियसली एनआरआई ने ये माइंड में रखा है कि राइफल पिस्टल एक अलग ही चीज है, शॉटगन एक अलग ही चीज है. एंड ये भी माइंड में रखा है कि शॉटगन इज अ वीकेस्ट पॉइंट. सो हाउ डू जज दिस? शॉटगन तो इंडिया का वीक लिंक है. इंडिया का स्ट्रांग पॉइंट तब तक था जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एंड रंजन सिंह सोधी जब खेल रहे थे. एट दैट टाइम इंडिया वॉज विनिंग द मेडल इन द शॉटगन. उसके बाद मानवजीत सिंह संधू वॉज अ वेरी गुड शूटर. ही हैड वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल एज वेल, बट ही कुडंट विन इन द ओलंपिक्स. लेकिन उसके बाद जो शॉटगन शूटर्स आए हैं दे कुडंट डू द परफॉर्मेंस एट दैट पार. और डबल ट्रैप इंडिया वॉज गुड इन डबल ट्रैप. अंकुर मित्तल वॉज डूइंग वेरी गुड इन डबल ट्रैप. ही हैड वन द मेडल ऑल्सो इन द डबल ट्रैप वर्ल्ड कप मेडल, बट डबल ट्रैप वॉज ऑल्सो रिमोट जस्ट लाइक 50 मीटर. उसके जगह पे मिक्स्ड इवेंट्स आ गए, मिक्स ट्रैप एंड मिक्स्ड इवेंट इन ट्रैप शूटिंग एंड मिक्स्ड इवेंट इन स्किट शूटिंग. सो दैट इज आल्सो, बट इंडिया इज नॉट गुड इन द मिक्स्ड इवेंट. सो वो भी मतलब इंडिया को लॉस हुआ, डबल ट्रैप गया उसकी वजह से. एंड अंकुर मित्तल का भी पर्सनल लॉस हुआ. ही वॉज वेरी गुड डबल ट्रैप शूटर एंड ही स्टार्टेड डूइंग इन ट्रैप, बट ही कुडंट परफॉर्म दैट वेल इन द ट्रैप शूटिंग. तो एक डिसेंडेंट होता है. लेकिन ठीक है, मतलब इंडिया हैज वन फोर कोटा, तो आ सकते हैं. मतलब इंडिया कैन विन अनदर टू कोटा प्लेसेस. सो एंड देयर इज वन एयर पिस्तल वुमेन का बाकी है, मतलब वो भी आ सकता है. तो इंडिया गो टू 22. सो ओके, दैट विल बी ग्रेट अचीवमेंट. अभी आते हैं प्रेडिक्शंस टाइम्स. इतना तो हो गया. अगर हम देखा जाए कि 2020 ओलंपिक्स की बात करें तो हिस्टोरिक था, सेवन मेडल्स.
मैं कहूँगा एज दैट वी अंडर परफॉर्म्ड, क्योंकि शूटिंग से बहुत हाइप था इट एंड वी शुड हैव वन. एंड ऑब्वियसली एज आई सेड कि अगर 2020 में ही होता या हम 2021 में मतलब थोड़ा रिसेंसी फैक्टर देखते तब मे बी कुछ मेडल्स आ सकते थे. बट ठीक है, पास्ट इज पास्ट. आई थिंक NRI इज ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक्स. अभी अज्यूमिंग कि जिसने कोटा जीता है वो ही जाएगा टीम में, ठीक है, तो अगर इंडिया को लेट्स से डबल डिजिट करना है मेडल्स में तो शूटिंग विल शूटिंग हैज टू हेल्प. शूटिंग में एटलीस्ट 4 मेडल जीतना चाहिए. फोर मेडल्स, ओके. तो आप किसको देख, अज्यूमिंग कि जिसने मेडल कोटा जीता वही जा रहा है अभी के लिए, हाँ, टीम नहीं है मैं मानता हूँ, तो आप किसको देखते हैं मेडल जीत जीत सकता है एंड व्हाट कलर? मैं 10 मीटर एयर एयर राइफल में देखना चाहूंगा. रुद्रांश पाटिल है. ओके, रुद्रांश पाटिल. सो ही इज नॉट इन क्वाइट गुड फॉर्म दैट व्हिच वाज ही, मतलब 2 साल पहले जो लास्ट ईयर जो फॉर्म में था वो उसके फॉर्म में नहीं है, लेकिन ठीक है मतलब. एंड विमेन में मेहुली घोष एंड तिलोत्तमा सेन. उसमें मैं मेहुली घोष आई थिंक कैन विन एंड ईशा सिंह कैन विन द मेडल, शी हैज वन इन द एशियन गेम्स. देन विमेन में सीत कौर समरा एंड श्रेयांकी सदंगी इज देयर. सो आई थिंक सीत कौर समरा इज इन बेटर पोजीशन. मिक्स्ड में मुझे लगता है आइदर पिस्तौल और राइफल दोनों में से एक में मेडल आ सकता है. ओके, सो 4-5 यू सी. हां, अगर ऐसा देखा जाए तो डबल डिजिट होना ही चाहिए. तो मतलब रियलिस्टिकली मैं बोलूं बैडमिंटन एक, एथलेटिक्स एक, वेट लिफ्टिंग एक, रेसलिंग एक, मे बी दो, और क्या हुआ शूटिंग में चार पांच. तो ये मिला के 10-11 तो होने चाहिए. आई थिंक बॉक्सिंग बॉक्सिंग वुमेन्स बॉक्स आई थिंक यही, आई थिंक दिस इज गुड कि इस बार इतना हाइप नहीं है. लास्ट टाइम दिट वॉज जेन्युइन हाइप आई नो कि इवन इवन आई मीन फॉरेन स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स आर आल्सो सेइंग कि इंडिया विल शुड हैव कम इन. We had predicted they will come in top 20, but aisa nahi hua because shooting underperformed. But right now there is no hype around shooting, and that's good. Koi pressure nahi, koi kuch nahi hai. Matlab, so I even though Asian Games se kafi acha performances tha shooting se, but there is no hype. It's good. It's good. So lastly, aap kya any wishes you have for 2024 Olympics, and we can wrap. Yeah. So I'm wishing all the best to the Indian contingent, entire Indian contingent for the 2024 Olympics. So which is going to start on 27th of July. Shooting pe to main focus hoga. India should win because the number of medals will be decided by the total will be decided by the number of medals won in the shooting. Wo ek hai. Then looking forward for Neeraj Chopra to defend his Olympic gold medal again. Koi hai nahi abhi, matlab koi hai nahi. And then Kishore Jena also can sneak into the medal. Okay, I think we are very much excited for 2024 Olympics. Hope for good good things in shooting. And यही बात है कि NRI is quite proactive in admitting its mistakes and working on it. I think हमने देखा कि काफी coaches का भी churn था and अभी नए coaches आए हैं and they are doing quite good. Olympics like मतलब quotas तो जीत गए, medals कितने आते हैं? 19 quotas, second highest, medals कितने आते हैं? So with that note, thank you the audience for watching. So if you like this video, please like and subscribe. Also, I forgot, please follow Nitin Raghote on Twitter, @Nitin_Raghote. So please follow him. He's quite active on Twitter and he gives sports updates as well. So thank you, sir. Yeah, thank you, Siddharth. Thank you for inviting me.